वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। गाइस, आज के इस लेक्चर पे हम लोग एल्जेब्रा के क्वेश्चंस करेंगे। ये वो क्वेश्चंस है जो कि आपके रिसेंटली एग्जाम्स पे पूछे गए हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम लोग एल्जेब्रा के कॉन्सेप्ट्स भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। क्लियर? टोटल एल्जेब्रा में आप लोगों के 10 लेक्चर्स होंगे और इन 10 लेक्चर्स को देखने के बाद आप लोगों के लिए एल्जेब्रा एकदम आसान हो जाएगा और प्री और मेंस पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं एलजेब्रा के, आप लोग उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सी, एलजेब्रा में क्या होता है? एलजेब्रा में हम लोगों के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, ठीक है? तो वो जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लोग उसी रिस्ट्रिक्शन ना होने का फायदा उठा के एलजेब्रा के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है? अब देखो, इस एक्सप्रेशन के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकता हूं। क्लियर? अच्छा, अब आप लोगों ने ध्यान ये देना है कि जब भी आप लोग एक्स या वाई की वैल्यू कुछ भी अज्यूम करें तो उस टाइम पे डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, सी आप लोगों का फ्रैक्शन कैसे फॉर्म पे होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। क्लियर? तो जो डिनोमिनेटर होता है ना, ये कभी भी आप लोगों का जीरो नहीं बनना चाहिए। क्लियर? क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो बन गया तो क्या होगा, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर जीरो बन गया तो ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का इन्फिनेटिव फॉर्म पे चले जाता है। 1/0 इज इनफाइनाइट ना, तो उस केस में हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने बस इस बात का ध्यान रखना है, एक ही ध्यान रखना है कि एलजेब्रा में जब भी आप लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे एक्स और वाई की, तो इस हिसाब से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है कि डिनोमिनेटर जीरो ना बने। क्लियर? ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्लियर? अब दूसरी बात जो आप लोगों ने ध्यान रखनी होती है, सी दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आप लोगों ने देख लेना है कि एक्स और वाई की वैल्यू लेने के बाद मेरे ऑप्शन सारे डिफरेंट आ रहे हैं कि नहीं। क्लियर? अगर ऑप्शन सेम आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि ए और सी की वैल्यू सेम आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे मैं समझाता हूं कैसे। सपोज ये क्वेश्चन है, मैंने बोला कि यार इस क्वेश्चन को मैं इजिली सॉल्व कर सकता हूं, मैं क्या करता हूं, वाई को जीरो मान लेता हूं, ठीक है? अगर मैं वाई को जीरो मानता हूं तो ये पूरा टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है? ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। सी अगर मैं वाई को जीरो मानता हूं, क्लियर, अगर मैं वाई को जीरो मानता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस, ये तो वाई जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा ना वाई को जीरो रखने पे, एक्स स्क्वायर चल रहा है, बट न्यूमरेटर जीरो हो गया तो ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो गया। 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, क्लियर, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, ठीक है? वाई तो जीरो मान लिया है मैंने, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, अपॉन एक्स और -3xy, वाई को मैंने जीरो माना है तो ये पूरा एक्सप्रेशन भी जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और x1 और ये एक्स क्यूब की जगह यहाँ क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर रह जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन किस पे रिड्यूस हो जाएगा, आप लोगों के 1/x² पे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? वाई को जैसे ही मैं जीरो मानता हूं तो, क्लियर, अगर मैं ऑप्शन में वाई को जीरो डालूं तो ये कितना हो जाएगा, 1/x² हो जाएगा, क्यों, वाई वाला जीरो हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/x², ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा 1/x, वाई को मैंने जीरो मान लिया तो, और ये कितना हो जाएगा, 1/x। सी अगर मैं वाई को जीरो मानता हूं तो मेरे पास दो कॉमन रह जा रहे हैं, ए भी क्या हो जा रहा है, 1/x², बी भी क्या हो जा रहा है, 1/x², और सी भी क्या हो रहा है, 1/x, डी बी हो रहा है 1/x। अब वाई को जीरो रखने पे ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड होके बना 1/x², तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आंसर ए है या बी है? इतना तो मुझे पता चल गया से सी और डी नहीं है, बट कैसे पता चलेगा ए या बी है, ठीक है? तो यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जब भी आप लोग कोई भी वैल्यू लेते हो, एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू कुछ भी लेते हो, आप लोग कुछ एज्यूम करते हो, तो सबसे पहले आप लोगों ने उस वैल्यू को ऑप्शन पे देख लेना है कि यार कहीं कुछ कॉमन तो नहीं हो जाएगा। क्लियर? इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? तो इसलिए मैं क्या करता, मैं y इज इक्वल टू जीरो डालता,
और मैं सबसे पहले देख लेता यार, ये इन्फिनिटिव फॉर्म नहीं है, ये इन्फिनिटिव फॉर्म नहीं है, ठीक है यहाँ पर तो चल रहा है। वाई को जीरो डालने में मैं बोलता ये वन बाय एक्स स्क्वायर है, ये वन बाय एक्स स्क्वायर है, ये वन बाय एक्स है, ये वन बाय एक्स है। मैं बोलता यार ऑप्शन तो एलिमिनेट नहीं हुए, मैं दो ऑप्शन तक पहुंच सकता हूँ बट बाकी एलिमिनेट नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं वाई इज इक्वल टू जीरो नहीं रखता। क्लियर? ठीक है सी, मैं यहां पर आप लोगों को समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम कंज्यूम हो रहा है। एग्जाम्स पे इन क्वेश्चंस को आप लोग वर्बली भी सॉल्व कर लोगे। क्लियर? एक बार जब आप लोग ये 10 सीरीज देख रहे हो, देख लोगे तो एलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस को ट्रस्ट मी वर्बली आप लोग सॉल्व करके आओगे। चलो ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं हुआ। सी मैं अगर एक्स को जीरो रख लेता हूं तो क्या होता है? अगर मैं x को जीरो रखता तो ये मेरा बनता वन बाय माइनस वाई स्क्वायर, ये बनता वन अपॉन प्लस वाई स्क्वायर, ये बनता वन अपॉन माइनस वाई, ये बनता वन अपॉन वाई। इसका मतलब x को जीरो डालने पे मेरे सारे ऑप्शंस अलग हैं, ठीक है। इसको मतलब x इज इक्वल टू जीरो मैं अज्यूम कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इससे मुझे एक यूनिक ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर? ओके, अब x इज इक्वल टू जीरो मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास वन माइनस जीरो डिवाइडेड बाय एक्स को जीरो रखा तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? माइनस वाई क्यूब अपॉन माइनस वाई, और ये तो जीरो हो जाएगा। एक्स जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये माइनस वाई क्यूब हो गया, ये माइनस वाई हो गया, ये तो जीरो हो गया। क्लियर? तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, वाई से ये वाई स्क्वायर पे चेंज हो गया। क्लियर? तो मेरे पास आंसर क्या आया? मेरे पास आंसर आया वन बाय वाई स्क्वायर। अब मैं कंफर्म हूं कि ऑप्शन क्या है मेरा? ऑप्शन बी मेरा सही है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए पे एक्स को जीरो रखने पे ये वन अपॉन माइनस का वाई स्क्वायर आ रहा है, जबकि मेरा आंसर क्या आना चाहिए? वन बाय प्लस का वाई स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, तो ऑप्शन सी, एलजेब्रा में वैल्यू पुट करना वहीं पर ही लॉजिक है। ठीक है, अगर आप लोग वैल्यू पुट करना सीख गए, ट्रस्ट मी एलजेब्रा के किसने भी टिपिकल क्वेश्चंस अभी मैं करूंगा, देखो आप लोगों के सामने, आप लोगों के 2017 के क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, 16 जितने भी सीजीएल में, कैट पे, सीडीएस में, किसी भी एग्जाम्स पे आए हुए क्वेश्चंस हो उसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इजीली सॉल्व कर लेंगे चुटकियों में। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ, कैसे वैल्यू पुट करनी है। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, पहला बात ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होने पे इन्फिनिटिव फॉर्म इन्फिनिटी फॉर्म बन जाता है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जो भी ऑप्शन डालू उससे क्या है, मेरे ऑप्शन सारे यूनिक होने चाहिए। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर वन डन। क्वेश्चन नंबर टू सी, क्वेश्चन इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन द वैल्यू ऑफ, एक एक्सप्रेशन दे रखा है और मुझे इसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, ओके फाइन। सी अब होता क्या है, सी जैसे ही क्वेश्चन देखता हूं दिमाग पे क्लिक, अभी धीरे धीरे जब पूरे लेक्चर्स देखोगे तो क्लिक हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है तो दिमाग पे सीधा क्लिक होता है यार क्या करता हूं, ए को जीरो ले लेता हूं तो b इज इक्वल टू सी हो जाएगा। मैं बोलता हूं b को माइनस वन ले लेता हूं, c को वन ले लेता हूं। ठीक है, तो जीरो माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा, मैंने बोला ठीक है। सेकेंड केस, मुझे देखना होता कि यार कोई इन्फिनेटिव नीचे डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं बन जाएगा इस ऑप्शन को डालने के बाद। ठीक है, अगर आप लोग देखो यहां पर b प्लस सी है, b प्लस सी करोगे तो ये जीरो बन जाएगा, तो ये समथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो, तो ये वन अपॉन जीरो मतलब ये इनफाइनाइट फॉर्म हो जाएगा, मतलब जो मैंने लिया है यहां पर ये क्या है मेरा सही नहीं है। क्लियर? मुझे ऐसे वैल्यू अज्यूम करने पड़ेंगे कि यहां पर एक्सप्रेशन जीरो ना बने। ठीक है, उसके लिए इसका मतलब क्या है, मुझे ऐसे वैल्यू पुट करने हैं ए बी सी के कि कोई भी दो नंबर इक्वल ना हो। क्यों? क्योंकि यहां पर सब नंबर ऐड हो रहे, देखो ए प्लस बी ऐड हो रहा है, अगर ये दोनों इक्वल और अपोजिट साइन के होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये जीरो बन जाएगा। अगर बी और सी सेम होंगे, इक्वल एंड अपोजिट साइन के होंगे तो ये एक्सप्रेशन को जीरो बना देगा, सी और ए इक्वल और अपोजिट साइन के होंगे तो ये इस एक्सप्रेशन को जीरो बना देगा। तो मुझे यहां से एक बात एकदम से स्ट्राइक हो जानी चाहिए कि यार ए बी सी की वैल्यू मुझे ऐसा लेना है कि वो क्या है, कोई भी इक्वल ना हो। ठीक है, ओके, तो मैं क्या करता हूं, मैं सी मैं बोलता हूं कि यार चलो मैं ए को थ्री ले लेता हूं, बी को माइनस टू ले लेता हूं और सी को क्या ले लेता हूं, माइनस वन ले लेता हूं।
क्लियर। ए को मैंने 3 ले लिया, बी को मैंने -2 ले लिया और सी को मैंने -1 ले लिया। इससे एक कंडीशन मेरी ये फुलफिल हो गई कि मेरी, मुझे पता है डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं बनेगा किसी भी केस में। क्लियर, इसी बात का मुझे ध्यान रखना था। अब सी इस वैल्यू को मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 1/a + b, 3 + -2, ये कितना हो जाएगा 1 b + c, -2 - 1 इज इंटू -3 प्लस 1/b + c, b + c तो मैंने करा ही था, -3 इंटू c + a, c + a करोगे तो आ जाएगा 2 प्लस 1/c + a तो 2 है इंटू a + b, a + b कितना है आप लोगों का 1। क्लियर, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया मेरा -1/3, -1/6, +1/2। क्लियर, ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सी ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, नीचे क्या बन जाएगा आप लोगों का, नीचे बन जाएगा आप लोगों का 6 एलसीएम हो जाएगा, मैं इसे नहीं 6 होगा 12 हो जाएगा एलसीएम ना, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। तो इसे आप लोग ये देखोगे ये क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा -4 - 2 + 6/6, दिस इज नथिंग बट 0। क्लियर, तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर, सी वैल्यू ही पुट करना आप लोगों को मेन सीखना है, ठीक है, और इन 10 लेक्चर्स पे आप लोगों को एकदम परफेक्शन आ जाएगा कि आप लोगों ने कोई भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस पे वैल्यू कैसे पुट करना है। क्लियर, ये क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा, ठीक है, और ये क्वेश्चंस एग्जाम्स पे आए हुए हैं और ट्रस्ट मी गाइस, इन क्वेश्चंस को करने में 15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इफ x² + y² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। वो क्या बोलता है, वो ये बोल रहा है कि x² + y² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0 है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, x³ + y³ की क्या वैल्यू होगी। ओके, सी मैं क्या करता हूं, मैं आप लोगों को पहले एक गलत केस लेकर दिखाता हूं, ठीक है, गलत केस लेकर दिखाता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं यार x के दो टर्म है तो x को 0 मान के इसे एलिमिनेट करता हूं सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने x इज इक्वल टू 0 डाल दिया। क्लियर, x को जैसे ही मैंने 0 डाला तो मेरा इक्वेशन हो गया y² + 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, और यहां से क्या आ गया मेरे पास, यहां से आ गया मेरे पास y² = -1। क्लियर, अब बताओ मुझे y² कभी -1 हो सकता है, क्या पॉसिबल है, y² + 1 कभी 0 हो सकता है, ये स्क्वायर का टर्म है, ठीक है, स्क्वायर कभी भी आप लोगों का नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, ये तो फिर आप लोगों के कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोग चले गए। इसका मतलब जो मैंने x इज इक्वल टू 0 माना था वो क्या है मेरा, गलत है। क्लियर, वो क्या है मेरा, गलत है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं y इज इक्वल टू 0 अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 अज्यूम करते ही मेरे पास क्या बन जाएगा, ये x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0, और ये क्या है मेरा, ये है मेरा x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ, ये पूरा होल स्क्वायर 0 हो सकता है कब, जब x + 1 इज इक्वल टू 0 हो और x इज इक्वल टू कितना हो मेरा, जब -1। क्लियर, तो x जब मैंने y को 0 रखा तो x इज इक्वल टू मेरा -1 आया, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू -1 की पावर 31 प्लस y को मैंने 0 अज्यूम रखा,
जीरो की पावर 35, ये तो जीरो हो गया। माइनस वन की पावर 31 कितना होगा आप लोगों का, माइनस वन, माइनस सी, माइनस वन की पावर एन। क्लियर, अगर एन इवन है तो ये क्या होता है आप लोगों का, ये वन होता है, और अगर एन ऑड है तो ये कितना होता है आप लोगों का, माइनस वन। सीधा समझो ना, माइनस वन की पावर थ्री कितना होगा, माइनस माइनस वन की पावर थ्री कितनी होगी, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, प्लस वन इंटू माइनस वन इज माइनस वन, इसलिए ऑड में नेगेटिव होगा और इवन पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इजिली इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इन क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सी क्वेश्चन देखने में बड़ा खतरनाक लगता है बट कुछ नहीं होता इन क्वेश्चन पे। ठीक है, बोलता है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 16 है। सेकेंड टर्म बोलता है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, और एक और टर्म मुझे यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 20 है। अच्छा, अब देखो इस इक्वेशंस को, सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बोल रहा है। अब मुझे पता है कि क्या 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, ये बात मुझे पता है। ठीक है, तो यहां से मेरे दिमाग में सीधा क्लिक हो गई कि यार इनकी वैल्यू क्या है, बाय मैक्सिमम 4 तक ही जा सकती है, क्यों, स्क्वायर है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, मतलब नेगेटिव का केस है नहीं, इतनी बात भी क्लियर है। ओके, अब देखो तीन नंबर है, सी अगर मैं खाली इस नंबर को, एक एक ऑप्शन ये है कि मैं खाली इस नंबर को रखूं, और एक ऑप्शन ये है कि ए बी सी ये हो सकता है, बट अगर ए वन हो बी टू हो सी थ्री हो तो ये 14 ही पहुंचेगा। ठीक है ना, 14 ही पहुंचेगा, इसका मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो मेरे पास एक ही केस रह गया कि यार ऐसा हो कि ए जीरो हो बी जीरो हो और सी कितना हो मेरा 4 हो, तो ये ऑप्शन बन जाएगा, 0 का स्क्वायर इज 0, 0 का स्क्वायर इज 0 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा व्हेन ए इज 0 बी इज 0 और सी इज 4। क्लियर, इतना मैंने देख लिया। ओके, इसके बाद इस इक्वेशन पे ना आके यहां पर आओ, देखो आपको पता है ए इज इक्वल टू 0 है तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू 4 है तो आप क्या लिखोगे, 4 इंटू जेड इज इक्वल टू 20 लिखोगे। क्लियर, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, z इज इक्वल टू आ जाएगा 5। क्लियर, इसका मतलब z की वैल्यू कितनी है, 5 है, z की वैल्यू देखो यहां से x 0 y 0 और z कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया, x 0 y 0 z कितना आ गया, 5 हो गया। देखो इक्वेशन भी सेटिस्फाइड है, सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई हमारी, तो मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, a इज 0 प्लस बी इज 0 सी इज 4 अपॉन 0 प्लस 0 प्लस 5, ये कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 4 बाय 5, ऑप्शन सी। क्लियर, ठीक है, देखो क्वेश्चन दिखने में काफी टिपिकल लग रहा था बट अगर आप लोग इसे अप्रोच करोगे तो क्वेश्चंस पे कुछ नहीं होता है। ठीक है, मुझे तो पता भी नहीं कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ट्रस्ट में मैं सॉल्व भी नहीं कर सकता, पता नहीं क्या होता है, मैंने कभी करा ही नहीं अलजेब्रा को सॉल्व। ठीक है, वर्बली हम लोग इजिली सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर, ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ओके, द क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, एक्स की क्या वैल्यू होगी इनमें से जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, ऐसे देखकर ही डर लग जाएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप लोगों को ये अप्रोच नहीं पता है तो। क्लियर, अब सी मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं यार सी अगर मैं ए को वन बी को वन और सी को वन मान लेता हूं, ठीक है, ए को वन बी को वन और सी को वन मान लेता हूं तो ये थ्री आएगा, ये माइनस थ्री आएगा, ये वन, ये फोर आएगा
और ये माइनस फोर आएगा, मतलब ए वन बी वन और सी वन डालने पे इनकी वैल्यू अलग अलग आ रही है, इतना मुझे पता चल गया, क्लियर। ठीक है, तो मैंने क्या डाल दिया, मैंने बोल दिया यार ए को वन ले लो, बी को वन ले लो, सी को वन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस थ्री, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फोर, वन टू वन, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस फोर। ठीक है, ए को वन, बी को वन और सी को वन ले लिया मैंने। अब सी मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन या जीरो इसलिए नहीं लिया, सी जीरो आप लोग ले सकते हो, ठीक है, जीरो जीरो लेने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, बट मैंने ऐसे ही सिंपल सा ले लिया, मैंने नेगेटिव नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव टर्म ना बन जाए, क्लियर, इसलिए मैंने नेगेटिव को लिया नहीं, मैंने सिंपल ए वन बी वन सी वन ले लिया क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्सिटी मैंने यहाँ पर मैं लाना नहीं चाहता था, ठीक है, इसलिए सिंपली मैंने ए को वन बी को वन और सी को वन ले लिया, क्लियर। तो ये इक्वेशन किस पर रिड्यूस हो गया, सी ये वन हो गया, टू सी स्क्वायर, सी तो वन है तो ये कितना हो गया टू हो गया, वन प्लस टू इज थ्री, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस थ्री बाय टू प्लस ये कितना हो जाएगा, बी को वन डाल दो ए को वन डाल दो, ये भी हो जाएगा एक्स प्लस थ्री बाय टू प्लस ये भी कितना हो जाएगा एक्स प्लस थ्री बाय टू इज इक्वल टू जीरो, क्लियर। ठीक है, तो ये यहां यहां से क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, आप लोगों के पास आ जाएगा सी थ्री एक्स प्लस नाइन बाई टू इज इक्वल टू जीरो, क्लियर, इसे सॉल्व करोगे तो, ठीक है, एक्स 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 थ्री एक्स थ्री 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 नाइन, थ्री एक्स प्लस नाइन बाई टू इक्वल टू जीरो, ये टू को वहां ले जाता हूं तो ये क्या बन जाएगा मेरा इक्वेशन, ये बन जाएगा थ्री एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, और इसे क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस नाइन, क्लियर, और एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से माइनस का थ्री, एक्स इज इक्वल टू माइनस का थ्री व्हेन ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू वन सी इज इक्वल टू वन, तो मेरा ऑप्शन क्या आ गया, मेरा ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी, क्लियर। ठीक है, सी आराम से आप लोग सारे क्वेश्चन करोगे, ट्रस्ट मी गाइस, आप बस इन जो ये 10 लेक्चर मैं बनाने वाला हूं एलजेब्रा का, इन 10 के 10 लेक्चर्स को फॉलो करो, उसके बाद कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स पे मिस नहीं होंगे, क्लियर। ओके, चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आप लोगों का, सी क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बस आप लोगों ने थोड़ा सा एक लॉजिक डेवलप करना है, ठीक है, लॉजिक कैसे डेवलप होता है, लॉजिक डेवलप होता है आप लोगों के प्रैक्टिस करने से, क्लियर। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए क्यूब इज इक्वल टू 117 प्लस बी क्यूब है, क्लियर। दूसरे केस में मुझे बता रहा है कि जो ए इज इक्वल टू है वो 3 प्लस बी है, क्लियर, ए इज इक्वल टू 3 प्लस बी है, फिर मुझे क्या बोलता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू बताओ कितनी होगी, क्लियर। ठीक है, अब अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो उसने मुझे बता रखा है ए कितना है, ए वो उसने मुझे बता रखा है ए इज इक्वल टू 3 प्लस बी है, तो इस ए को मैं 3 प्लस बी से रिप्लेस कर सकता हूं, तो मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 3 प्लस बी प्लस बी इक्वल टू कितना ये मुझसे पूछना चाहता है, इसका मतलब ये मुझसे पूछना चाहता है 3 प्लस 2 बी की क्या वैल्यू होगी, यही वो मुझसे पूछना चाहता है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो मेरे पास, अब ऑप्शन को देखो, सी यहां पर देखो ए प्लस बी की वैल्यू 49 और 13 बहुत ज्यादा है, जीरो तो हो नहीं सकती, क्लियर, एक ऑप्शन ए से स्टार्ट करता हूं, 7 वो सही लग रहा है मुझे, क्लियर, तो मैंने बोला 49 बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसका क्यूब करोगे तो ये इक्वेशन मतलब सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएगी ना, क्लियर ना, ठीक है, क्योंकि 3 का डिफरेंस है और 49 तक आप चले गए तो खाली 117 थोड़ी रह जाएगा, वो तो क्यूब में तो 49 पे तो बहुत डिफरेंस आने लग जाएगा ना ऊपर ऊपर, तो क्लियर। ओके, तो मैंने बोल दिया कि ए प्लस बी की वैल्यू मैं मान लेता हूं 7 है, ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा ना 3 प्लस 2 बी इज इक्वल टू 7, ठीक है, मान लिया मैंने इसका आंसर 7 है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता, ठीक है, तो इससे मैं लिख सकता हूं 2 बी इज इक्वल टू 4, और इससे मैं क्या लिख सकता हूं b इज इक्वल टू 2, क्लियर, b इज इक्वल टू 2, क्लियर, b इक्वल टू 2 है
कहा गया b इक्वल टू टू, अगर b इक्वल टू टू है तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा आप लोगों का फाइव, a फाइव और b टू। यहां पर देखो फाइव का क्यूब कितना होता है 125 इज इक्वल टू 117 प्लस b का क्यूब कितना है, टू का क्यूब कितना है 8, ये भी 125 आ गया। मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड है जब a प्लस बी इक्वल टू सेवन रखा है मैंने, क्लियर ऑप्शन ए, क्लियर समझ में आया। सी क्यूब में अगर जैसे जैसे आप लोग पीछे जाते जाओगे ना, सी उसने मुझे बता रखा है कि डिफरेंस कितने का है, थ्री का डिफरेंस है, ठीक है। यहां देखो सीधी सी बात है, डिफरेंस बता रहा है मुझे थ्री का डिफरेंस है दोनों नंबर के बीच में, तो क्यूब में डिफरेंस बहुत जल्दी से बढ़ता है। आप देख लो फाइव का क्यूब और एट का क्यूब, देखो फाइव का क्यूब 125 होता है, एट का क्यूब कितना होता है 512 होता है, ठीक है। अच्छा थोड़ा और ऊपर चले जाओ, ठीक है। अब ऐसे देखो सिक्स का क्यूब और नाइन का क्यूब, सी इनके बीच में डिफरेंस एकदम ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा, क्लियर, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ये। तो मुझे पता है डिफरेंस तो सिर्फ 117 का है ना, इसका मतलब नंबर पास पे ही है कहीं, ठीक है, छोटा ही नंबर है, एकदम क्लिक होना चाहिए। सी इसमें एक ही छोटा नंबर दिख रहा था सेवन, तो इसलिए मैंने सेवन को ही पहले पिक किया। आप लोग बोलोगे कि आपने सेवन क्यों पिक किया, हम तो 49 पिक करेंगे। सी आप लोग दूर जाओगे तो वो तीन से जो क्यूब होगा वो डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा, यहाँ पर 117 का डिफरेंस है, ठीक है। सी उसने लिखा हुआ है ना ए क्यूब, इसे ऐसे भी तो लिख सकता था ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 117, वो बता रहा है इन दोनों क्यूब के बीच का डिफरेंस कितना है 117 है, ठीक है। तो 49 पे लेकर जाओगे तो वो तो बहुत दूर पहुंचने लगोगे ना, तो मतलब वैल्यू पास पे है कहीं, क्लियर, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें, एक्स इज इक्वल टू वन प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री, क्लियर। और पूछा गया है वैल्यू 2x4 माइनस 8x3 माइनस 5x2 प्लस का 26x माइनस 28। क्वेश्चन देखकर ही डर लग जाए सही बोलूं तो, ठीक है। एक्स की वैल्यू ऐसी कॉम्प्लिकेटेड है और उसकी पावर 4 तक ले जानी है, क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन देखकर ही डर लगने लग गया, क्लियर। बट सोचो, चलो लॉजिकली क्वेश्चन को सोचो, ठीक है। मैं बता रहा हूं हर क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आराम से कर सकते हैं। सी मेरे पास, अगर मैं एक बार ऑप्शन पे ध्यान दूं, सी मेरे पास रूट के अंदर है रूट टू और रूट थ्री, क्लियर, रूट टू और रूट थ्री, तो मुझे इतना पता है कि रूट टू और रूट थ्री, सी एक्स की पावर 4 कर दी, एक्स की पावर 3 कर दी, 2x2 कर दिया, x कर दिया और माइनस कर दिया। मुझे पता है कि ये रूट टू और रूट थ्री वाले फैक्टर कहीं ना कहीं तो बचेंगे, ये कैंसल आउट तो नहीं हो पाएंगे ना, पूरा रूट टू और पूरा रूट थ्री कहीं भी कैंसल आउट नहीं हो पाएगा, क्लियर, क्योंकि यहां एक्सप्रेशन पे कहीं भी रूट की वैल्यू नहीं दी है। हाँ एक्सप्रेशन में ऐसा दिया होता ना माइनस 28 रूट थ्री साथ पे, तो मैं बोलता यार रूट थ्री वाला एलिमिनेट हो जाएगा पक्का, ठीक है। बट ऐसा कुछ है नहीं, कहीं भी ऐसा फैक्टर है नहीं कि रूट टू या रूट थ्री कट जाए एक्सप्रेशन पे पूरे, क्लियर। इसका मतलब मुझे पता है कि आंसर में रूट टू और रूट थ्री वाले फैक्टर्स आने ही चाहिए, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि इन दोनों में से एक फैक्टर को पूरा एलिमिनेट कर दो, मुझे पता है आंसर में रूट टू और रूट थ्री वाले फैक्टर्स पक्का से आएंगे, क्लियर, क्योंकि वो कैंसिल आउट नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों एकदम ही अलग नंबर है, ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। टू और थ्री होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, बट रूट टू माइनस रूट थ्री बच गया तो वो कैंसिल नहीं होता, ठीक है, वो ऐसे ही रह जाएगा। इसका मतलब रूट टू और रूट थ्री को दोनों को एक्सप्रेशन पे होना चाहिए, दोनों को, तो मैं बोल सकता हूं ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखो रूट टू है रूट थ्री है, ठीक है, ऑब्वियस है ये एड होके, एड तो होंगे नहीं क्योंकि ये मल्टीपल्स ही है, कभी भी ये एड नहीं हो रहे होंगे इक्वेशंस पे, तो मैं इसे भी एलिमिनेट कर देता हूं। इस इक्वेशन को देखो तो इस पे क्या है, इस पे इन दोनों का मल्टीपल अंदर चल रहा है, सी इसके अंदर ये दोनों फैक्टर है। रूट सिक्स आप लोगों का क्या होता है, रूट सिक्स आप लोगों का होता है रूट टू इंटू रूट थ्री, ठीक है। तो ये रूट सिक्स पे ये दोनों फैक्टर्स अवेलेबल है, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों फैक्टर्स एलिमिनेट नहीं होंगे क्वेश्चंस पे,
ऑप्शन पे इन दोनों फैक्टर को होना चाहिए, मुझे ये बात एकदम क्लियरली पता है, ठीक है। ऑप्शन वन पे ये एलिमिनेट हो गया था, ऑप्शन बी पे एलिमिनेट हो गया था, ऑप्शन सी पे एलिमिनेट हो गया था, ऑप्शन डी पे एलिमिनेट नहीं हुआ था गाइस, तो इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। सी, मैंने इस क्वेश्चन को टच भी नहीं करा और मैं 100% कह सकता हूं कि आंसर डी है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है, ठीक है ना, उसके पीछे लॉजिक है क्यों मेरा आंसर डी है, और लॉजिक एकदम फाइन लॉजिक है, आप इसे मतलब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्लियर, ठीक है। ओके, तो इस लेक्चर पे हम लोग इतना ही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, सी, जो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, जब ये एग्जाम्स पे आया था तो बहुत सारे बच्चों से ये क्वेश्चंस हो नहीं पाए थे, मैं तो आउट ऑफ टच था कुछ टाइम से, क्लियर। तो अभी जब मैं देख रहा था, रिव्यूज पढ़ रहा था बच्चों के पुराने पेपर्स के, तो इस क्वेश्चन से बच्चे डर गए थे, क्लियर। बट अगर किसी ने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो उसे ये कंसेप्ट बिल्कुल पहले से पता था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। होपफुली अब जितने भी नए लोग, जिन लोगों ने ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन किया है, ठीक है, उन लोगों के लिए हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ताकि वो लोग भी एलजेब्रा को अच्छे से सीख पाए और एलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स पे इजिली अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। एलजेब्रा से आप लोगों के मेंस पे 12 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं, अगर आप लोग इन 10 लेक्चर्स को देखते हो तो ट्रस्ट मी, कोई भी स्टूडेंट होगा वो एटलीस्ट उन 12 में से 10 क्वेश्चंस तो करेक्ट करके ही आएगा, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर्स को लाइक पक्का से कीजिए, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप लोग अपने व्हाट्सएप, ट्विटर हैंडलर, अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी आप लोगों को मिलता है, इस वीडियो के लिंक को पक्का से शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाए और वो लोग भी इस वीडियो से घर बैठे बैठे अपनी प्रिपरेशन कर पाए, क्लियर। ओके, थैंक यू।